ये था इसको यहाँ, ये भी सही आंसर है, यहाँ तक इसको इन्होंने कर रखा है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x और माइनस c1, और नेगेटिव कॉन्स्टेंट को नेगेटिव नहीं रखते, तो प्लस c, जहाँ c बराबर है माइनस c1, कॉन्स्टेंट को हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव, और दो कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे, सम दो कॉन्स्टेंट का जोड़ नया कॉन्स्टेंट रख देंगे, प्रोडक्ट दो कॉन्स्टेंट का तो भी नया कॉन्स्टेंट आएगा। ये था चर पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण का हल। किसी भी अवकल समीकरण हल ज्ञात करने का मतलब है दिए गए अवकल समीकरण को बाई के रूप में लिखना, फलन के रूप में। तो कौन से मेथड है, चर पृथक्करण द्वारा, दूसरा चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाले, तीसरा आएगा समघाती अवकल समीकरण का हल और समघाती में बदले जा सकने वाले, रैखिक अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण में, रैखिक अवकल समीकरण बदलने वाले को बोलेंगे बर्नौली समीकरण, तो ये था चर पृथक्करण द्वारा, चर पृथक मैथमेटिकली सही होने चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ये नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। अब देखिए वेरिएबल एक्स वाले पद किसके साथ होने चाहिए, साइन डी एक्स के साथ होने चर पृथक, तो चर पृथक करने पर डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ लिखेंगे चर पृथक करने पर, अभी वन डी वाई और ये साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, समाकलन कर दो, वन का वाई के सापेक्ष, वन का समाकलन किसके सापेक्ष होगा, वाई के डी वाई, तो वाई के सापेक्ष तो वाई इज इक्वल टू साइन का माइनस कॉस एक्स, कोसाइन माइनस कॉस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये इसका अवकल समीकरण हल आ गया, एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये इसका हल है भाई, सीधे चर पृथक हो रहे हैं, या तो डी एक्स के साथ साइन एक्स और एक्स रह गए, साइन एक्स का अवकलन और एक्स का सॉरी समाकलन। ये था चर पृथक्करण द्वारा, और देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व एक्स कॉस स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई, तो डी वाई और डी एक्स जनरली हम डी वाई वाले पद को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसको इधर लिख लो ऐसे, बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर बाई डी एक्स, चर पृथक करने वाले हैं, तो बाई वाला पद इधर, बाई अपॉन कॉस स्क्वायर बाई डी वाई इधर जाएगा, तो एक्स डॉट वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, चर पृथक हो गए कि नहीं बताइए, चर पृथक करने पर, चर पृथक कर दिए, बाई डी वाई के साथ कॉस स्क्वायर बाई का पक्षांतर कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, अब इंटीग्रेशन करने के लिए बाई इंटू सेक स्क्वायर बाई लिख सकते हैं इसको, और ये इंटीग्रेशन एक्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए हम खंड से समाकलन हो रहा है, खंड से समाकलन हो रहा है कि नहीं बताओ, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, आई लेट एलजेब्रिक और आई लेट, तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट और ये सेकंड, खंड से
दो समाकल, दो फलनों का गुणनफल है खंड से समाकलन से, खंड से समाकलन से। बताइए भाई, फर्स्ट फलन बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन डी वाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन, ऐसे इधर फर्स्ट फलन sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और इस सब का इंटीग्रेशन। खंड से का सूत्र लगा दिया, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का समाकलन दोनों पक्षों में, तो बाई sec स्क्वायर का समाकलन tan माइनस बाई का वन और टेन बाई डी बाई इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस वन डॉट टेन एक्स डी एक्स, ये आगे बाई टेन बाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन बाई डी वाई एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये आ गया आपका बाई टेन बाई माइनस टेन बाई का लॉग ऑफ सेक बाई इक्वल्स टू एक्स टेन एक्स माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स, ये इसका एंट्री समाकलन तो हो चुका है, अब इसी फॉर्म में आंसर है बस बाई टेन लॉग सेक बाई एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, या सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है अचर है। ये था चर पृथक्करण विधि द्वारा और समाकलन। 12.4 में 10 क्वेश्चन हैं, एक एग्जांपल और समझा देता हूँ मैं आपको, और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं उनमें से मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल कर लेना अभी 11वां। तो आप डी वाई के साथ वाई के सापेक्ष समाकलन होगा, डी एक्स क्या है तो उसका एक्स के सापेक्ष समाकलन, वन का डी वाई के साथ वाई हो जाएगा, एक्स वन का डी एक्स के सापेक्ष है तो क्या हो जाएगा एक्स, ये ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोग कर दोगे, चर तक सीधे ही हो रहा है तो, और फिर एक्सरसाइज 12.4 प्रश्नमाला 12.4 मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ छठा, डी वाई अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3e की पावर 2x प्लस 3e की पावर 4x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x और चर पृथक करने के लिए dy अपॉन dx 3 इज कॉमन, e की 2x प्लस e की पावर 4x अपॉन e की पावर x और e की पावर माइनस x। अब x वाले पद एक साथ जा रहे हैं, नहीं बोलो इधर चर पृथक कर दें, तो चर पृथक करने पर ये इधर देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x y वाला आएगा इधर, बाई की तरफ बाई वाले पदों को पक्षांतर कर दे, ये आ जाएगा है ही नहीं बाई, तो ये ऐसे कैसे रहेगा डी वाई इज इक्वल टू 3 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x डी एक्स। चर पृथक हो गए, चर पृथक कर दिए हम, चर पृथक करने पर, और ये अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई, 3 तो कांस्टेंट है,
थ्री इंटीग्रेशन ऑफ पी की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर फोर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ई की पावर टू एक्स कॉमन क्या बचा, वन प्लस ई की पावर टू एक्स और ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। वन डी वाई थ्री ई की पावर टू एक्स इंटू वन प्लस ई की पावर टू एक्स, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ भी, ई की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। तो वन डी वाई इक्वल्स थ्री ई की पावर टू एक्स वन प्लस ई की पावर टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन डी एक्स। ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आई वन डी वाई इज इक्वल्स टू थ्री, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, बचा ई की पावर थ्री एक्स। तो ये थ्री ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स, ये फंक्शन हो गया। कॉमन लिया, कॉमन के बाद दीजिए एलसी माइनस को पॉजिटिव कर दिया, ये माइनस नीचे आगे प्लस होगा ई की पावर टू एक्स प्लस वन अपन ई की पावर एक्स। रेसिप्रोकल ये दोनों कैंसिल, ई की पावर एक्स इन टू ई की पावर टू एक्स समान आधार पर घाते जुड़ गई तो ई की पावर तीन एक्स। तो भार क्या था, थ्री। अब इसका समाकलन कर सकते हो, तो ये तो हो गया बाई बराबर थ्री ई की पावर थ्री एक्स, एक्स के गुणांक का भाग रखता है प्लस सी, तो बाई बराबर ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी इसका आंसर है। इस अवकल समीकरण का हल क्या हो गया, बाई बराबर ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी। और इसको देखिए अब आप 12.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आंसर 6 बाई बराबर ई की घात 3x प्लस सी। तो ये 12.4 का है और इसमें आपको एक दसवां और बता देता हूँ मैं, दसवां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 अंडर रूट वन माइनस एक्स रेज पावर सिक्स डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। चर पृथक कर दें सीधे ही, सीधे चर पृथक के लिए है, ये तो हो जाएगा डी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स रेज टू पावर सिक्स डी एक्स। चर पृथक करने पर और योग्य इंटीग्रेशन वन डी वाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशियल, क्यूब का, इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर थ्री का, एक्स की पावर थ्री की फॉर्म में लिख दिया सिक्स को, तो हम यहाँ पर माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए केवल, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाफ वन बाई थ्री डी टी। तो I इज इक्वल, ये हो गया अपना वन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी।
कन्वर्ट हो गया फॉर्मूले में, वन डी वाई एक्स क्यूब को टी माना तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर वन अपॉन थ्री डी टी, ये तो हो गया वन अपॉन थ्री डी टी और ये वन माइनस टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स का, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो वन का तो हो गया बाई वन अपॉन थ्री साइन इनवर्स टी प्लस सी, बाई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री साइन इनवर्स टी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस सी। ये हुआ इसका अवकल समीकरण का हल। बाई बराबर एक बटा तीन साइन इनवर्स एक्स क्यूब, एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 10। बाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपको 12.4 के क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद है जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको अपन चर पृथक्करण में बदल सकते हैं वो करने हैं। तो आपको 12.4 के क्वेश्चन करने हैं। कल आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा सीधा ही। प्रॉब्लम थी जो बता दी, ऐसी कोई बात नहीं और बाकी ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है। अब नवा है, नवा आप पहले कर चुके हो, नवा ठीक है। नवा एग्जाम्पल नंबर 9, नवे चैप्टर में कर चुके हो ये तो इंटीग्रेशन, पिछले चैप्टरों से समझा करो थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, चर पृथक करें तो डी वाई वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये चर पृथक हो गई। चर पृथक करने पर हो गई चर पृथक। तो अब यहाँ इंटीग्रेशन वन डी वाई, और देखिए वन माइनस कॉस को लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और वन प्लस कॉस टू एक्स होता तो एक्स आता, एक्स है तो एक्स वाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ऐसा क्वेश्चन नाइन्थ चैप्टर में था। तो वन डी वाई टू से टू कैंसिल, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब यहाँ के बच्चे गड़बड़ करते हैं, टेन स्क्वायर का तो कोई है ही नहीं हमारे पास समाकलन, ये टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर के पदों में लिखा जा सकता है। तो वन डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन डी एक्स, लिख सकते हैं इसको वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाले आइडेंटिटीज। अब इंटीग्रेशन हो रहा है वन का तो बाई, बाई के रेस्पेक्ट है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स वाई टू इंटू एक्स के गुणांक का भाग लगता है, भाग किसका देंगे एक बटा दो माइनस एक्स प्लस सी, वन का समाकलन एक्स, तो बाई टू टेन एक्स वाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 12.4 वाई बराबर टू टेन एक्स वाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ये लो। तो ये आपके लिए है और आगे करने वाले हैं हम एक्सर। ये थी 12.4 ठीक है भाई। तो 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4 पर आधारित कल आपका टेस्ट का भेजूंगा मैं, 12.1 से लेके 12.4 तक टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, उनको करना है और कल संडे है। ओके।